करनाल में प्रेमी प्रेमिका की पिटाई के बाद पंचायत में उन्हें गांव छोड़ देने का तुगलकी फरमान सुनाया है। जी हां, आपने सही सुना। आज हम भले ही 21वीं सदी में हैं, लेकिन पंचायतों का तुगलकी फरमान सुनाना जारी है। दरअसल करनाल के दनियालपुर गांव में लड़का लड़की पर अवैध संबंध का आरोप लगाकर पंचायत बैठाई गई, जिसमें उनकी जमकर पिटाई की गई। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि लड़के को जूते की माला पहनाई गई है और लड़की का सरेआम जुलूस निकाला जा रहा है। उसके बाद पंचायत में तुगलकी फरमान भी सुनाया गया है। बार थे, सारा सरपंच साहब भी बार थे जी। तो हमें तो शाम को पता लग गया भाई, ऐसे ऐसे करके यहाँ वाकया हुआ गांव में। यहाँ पास में ही गांव की वो औरत है, बिहार की है वो रहने वाली, यहाँ ब्याही हुई है बंजारा जाति से जी। और वो वाल्मीकि लड़का था। उन्होंने पता लग गया भी शाम को, पंचायत हुई, पंचायत में देखो क्या निर्णय हुआ है इसके बारे में, मुझे तो ज्यादा ज्ञान। तो पंचायत किसके घर हुई जी? पंचायत पूर्व सरपंच के घर हुई। तो मतलब क्या लगता है आपको कि ये ठीक था? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कम से कम? सर उसके बारे में तो वही कह सके, हम क्या कह सकते हैं। घर ले रखा वो लड़का और वो लड़की, ठीक है जी। तो मैं लगा कहन भाई थम अपने घर ना ही ना एक पूरा मेरे बास ने पूरा ले जो। हमने सोचा भाई यू ये दी जो मार दें सो बात कर दें जी, पूरा ले आओ जी। मैं लगा कहना हम एक सर तब ले आओ जी पूरा मेरे बास में पूरा भाई इसको गांव में एक पुराना बढ़िया जाए जी। तो ये दोनों भाई बैठे थे वहाँ मेरे दो भाई जी। मैं लगे कहन बोलो भाई, ये लगे कहन जी एक बड़ा मेरी बात सुन जी, चलो आप ठीक समझो कर दो। तो जी मैं कोई भी उनमें सियाणा आदमी नहीं था, सारे लड़के 20, 22, 25। बता दें कि पूरे गांव में इसका जहां विरोध एक पक्ष कर रहा है, वहीं दूसरा लड़की परिवार का पक्ष इसके फेवर में है। इसके लड़के नरेंद्र को लेके साथ में वहां से ले आके उनको सौंप दी थी, दोबारा फिर ये चलेगी लड़के के साथ। अब कल भी वो हाथ नहीं छोड़ रही थी, मैंने तो मरना और जीना इसी के साथ है। इन्होंने जबरदस्ती उसको भी पीटा, मुंह काला किया और जूतों का। क्या दोनों आपस में काफी समय से प्यार करते थे, आपस में रह रहे थे साथ? ये हमें तो अभी पता चल रहा है, कुछ पता नहीं, जब पहले बार गई है ना ये भी पता चला। तो लड़की का पति कहाँ रहता था? लड़की का पति तो वो है ना हिजड़ियों का काम करता है जी, नाश्ता करता है, वो ढोलकी बजाता है नाश्ता। जिस गांव में ये फरमान सुनाया गया है वो गांव सीएम मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है। वहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब सीएम के विधानसभा क्षेत्र में ही इस तरह से तालिबानी फरमान जारी होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से पंचायत लगाकर सजा सुनाने वाले और जगहों में क्या करते होंगे। करनाल से करमजीत सिंह की रिपोर्ट।